गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 कॉट इनवर्स, राइट, 1 + x² - x dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 0 to 1 टेन इनवर्स, राइट, इसको लिखेंगे 1 upon 1 + x² - x dx। ठीक है, राइट, इसको लिखेंगे हम लोग 0 to 1 टेन इनवर्स, राइट, 1 upon 1 + x कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज x - 1, राइट, dx। इसको लिखेंगे 0 to 1, राइट, टेन इनवर्स 1 की जगह x - x - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + x * x - 1। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए, तो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बना, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। तो इसको लिखेंगे 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स dx, राइट, माइनस 0 to 1 टेन इनवर्स x - 1 dx। ऐसा लिख लें, राइट। अब देखिए, तो 0 to 1 इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स dx, यहाँ पे लगाएंगे x की जगह क्या लिखेंगे, 1 - x, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 - x। तो दिस इज टेन इनवर्स ऑफ माइनस x, मतलब माइनस टेन इनवर्स x, तो ये प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स x dx, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स 2 times 0 to 1 टेन इनवर्स x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना जानते हैं, बाय पार्ट्स लगा देंगे इनटू वन करके, राइट, तो 2 times, राइट, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स लिमिट 0 to 1 माइनस डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, तो 1 upon 1 + x² इंटीग्रेशन क्या है, x, 1 + x² को t मानेंगे, तो ऊपर क्या है, हाफ ऑफ dt, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया हाफ ln 1 + x², राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फिर से लिमिट रख दीजिए 0 to 1, तो ये हो गया 2 times 1 रखेंगे तो 10 inverse 1 π/4, 0 पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 ln 2, करेक्ट, ठीक है, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 वैल्यू, तो ये हो गया π/2 माइनस ln 2, आंसर हो गया, राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के sin 2kx / sin x = this, राइट। तो RHS को देखिए, तो ये सारा एंगल जो है AP में, तो AP वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिखिएगा 2 × cos x + cos 3x, राइट, अप टू cos 2k - 1x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे 2 × sin, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो होता है sin n β/2, तो sin kx/2, राइट, डिवाइडेड बाय, ठीक है, sin 2kx/2, करेक्ट, sin n β/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin β/2, मतलब sin x, इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस, राइट, 2k - 1 × x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, ठीक है, यही मिला, राइट। अब देखिए, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या है ये, तो ये है 2 sin kx × cos kx डिवाइडेड बाय sin x, क्या होता है ये, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो दिस इज sin 2kx / sin x, पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया, राइट, एंगल एपी में है तो एपी वाला फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब कहता है हेंस प्रूव दैट दिस इक्वल टू π/2, तो लिखेंगे इसको 0 to π/2, राइट, sin 2kx, देखिए तो cot x को लिख लीजिए cos x / sin x, तो दिस इज cos x / sin x, राइट, dx। अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, राइट,
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंड है वो प्रूफ करना है हमें। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो साइन टू के एक्स अपॉन साइन एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, तो दिस इक्वल टू 0 to π/2, राइट, ट्वाइस ट्वाइस कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, राइट, एंड सो ऑन कॉस 2k-1x, राइट राइट, ठीक है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे है 2 cos²x, मतलब क्या होता है, तो 0 to π/2 1 plus cos 2x, राइट, इसको लिखिए 2 cos x इंटू cos 3x, तो 2 cos a इंटू cos b है, तो क्या होगा आपके पास, तो ये होगा आपके पास cos 2x, राइट, cos 2x और प्लस cos 4x, राइट, फिर 5x वाला क्या होगा आपके पास, तो cos 4x प्लस cos 6x एंड सो ऑन, ठीक है, यही होगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन दिस dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन sin 2x/2, राइट, इसका इंटीग्रेशन अगेन sin 2x/2, ठीक है, राइट, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन अगेन sin 4x/4। अब जरा देखिए तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लिमिट पुट करने के बाद क्या मिल रहा है, राइट, तो 0 से π/2 लिमिट पुट कीजिएगा, तो ये वैल्यू पाई हो जाएगी, ये वैल्यू पाई हो जाएगी, ये वैल्यू 2π हो जाएगी, तो साइन वाला हर एक टर्म 0 हो गया, तो बचा सिर्फ क्या, ये वाला x वाला, तो इसकी वैल्यू π/2 -0, मतलब π/2 प्रूव्ड हो गया ये सेकंड वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एज्यूमिंग 0 to π log sin x dx = -π log 2, सो दैट 0 to π θ³ log sin θ d θ = 3π/2, 0 to π θ² log √2 sin θ d θ, राइट। तो देखिए तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये है क्या, तो RHS वाला साइड जो है आपके पास वो है 3π/2, राइट, 0 to π log m into n का फॉर्म है, राइट, θ² log √2 d θ, राइट, प्लस कितना होगा, प्लस 3π/2 0 to π θ² log sin θ d θ, यही होगा ना, log m प्लस log n लिख लिया, इसको अलग अलग कर दिया, राइट। अब इसका देखिए तो log रूट टू जो है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, θ³/3, तो लिखेगा 3π/2 इंटू θ³/3, राइट, लिमिट पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा π³/3, राइट, और ये वाला log रूट टू को आप लिखिए ½ of log 2, राइट, और प्लस 3π/2 0 to π θ² log sin θ d θ, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया π^4 / 4 log 2 प्लस 3π/2 0 to π θ² log sin θ d θ, तो इस चीज को आपको ये लाना है, राइट। अब देखिए तो यहाँ दिस इज i, इसको i मानिए और ये ला देंगे हम, राइट, तो i इक्वल टू है हमारे पास 0 to π θ³ log sin θ d θ, राइट, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, तो क्या होगा, 0 to π π-θ³ log sin θ d θ, ब्रेक कर दीजिए, तो क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए तो यहाँ पे ये 0 to π π³ पहला टर्म है, उसके साथ log sin थीटा मल्टीप्लाई है, तो log sin थीटा d थीटा, इसको a-b³ में ब्रेक कर लीजिए, राइट, तो क्या हो जाएगा -3a²b, तो लिखिएगा -3π², राइट, थीटा log sin थीटा d थीटा, 0 to π θ log sin θ d θ, ठीक है, उसके बाद होगा +3ab², राइट, +3ab² तो +3π, राइट, और θ² 0 to π θ²
लॉग साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट, ये हो गया। और उसके बाद माइनस थीटा क्यू लॉग साइन थीटा डी थीटा, तो दिस इज माइनस आई, ठीक है। तो i वाला टर्म एक साथ आ जाएगा, तो 2i की वैल्यू आ गई, 2i की वैल्यू हो गई 0 टू पाई, तो पाई क्यूब बाहर, राइट। अब 0 टू पाई लॉग साइन थीटा डी थीटा क्या है, तो माइनस पाई लॉग 2, तो लिखेंगे इनटू माइनस पाई लॉग 2, राइट। माइनस 3 पाई स्क्वायर, माइनस 3 पाई स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू चाहिए, राइट, क्योंकि आपको ये तो लाना ही है, थीटा स्क्वायर लॉग साइन थीटा लाना ही है, तो आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसको मान लीजिए आई वन, आई वन को कैलकुलेट कर देते हैं कि आई वन है क्या, तो आई वन है आपके पास 0 टू पाई थीटा लॉग साइन थीटा डी थीटा, फिर से थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखिए, तो ये क्या मिल गया, 0 टू पाई पाई माइनस थीटा लॉग साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये भी आई वन है। तो 2i1 की वैल्यू क्या मिला आपको, 0 टू पाई, राइट, पाई लॉग साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो आपको पता है लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई लॉग 2, तो यहाँ भी रख दीजिए, तो ये पाई माइनस पाई स्क्वायर लॉग 2, राइट, 2i1 की वैल्यू हो जाएगी। तो i1 हो गया आपके पास माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2, ठीक है। तो रख दीजिए 3 पाई स्क्वायर इंटू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2, ठीक है, और प्लस हो गया ये 3 पाई 0 टू पाई थीटा स्क्वायर लॉग साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो ये है आपके पास माइनस पाई रेस टू द पावर 4, और यह है 3 पाई रेस टू द पावर 4 अपॉन 2, राइट, लॉग 2 कॉमन, 3 पाई रेस टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस पाई रेस टू द पावर 4, राइट। तो डायरेक्ट लिख देते हैं पाई रेस टू द पावर 4 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट, और प्लस 3 पाई 0 टू पाई थीटा स्क्वायर लॉग साइन थीटा डी थीटा, किसकी वैल्यू है, 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू देखिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही वाला आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ n ग्रेटर देन 1 इवेल्युएट 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर n, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो देखिए तो i मान लीजिए इसको, राइट, i इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, राइट, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n dx, राइट। देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो x को tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x को tan थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट क्या होगा, तो 0 टू पाई बाई 2, राइट, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज टेन थीटा प्लस sec थीटा रेज टू द पावर n, करेक्ट, ठीक है। इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रेज टू द पावर n ऊपर जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा रेज टू द पावर n ऊपर गया, ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एन माइनस 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर n, राइट। अब फिर से प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 ये साइन एन माइनस 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर n, राइट। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 डी थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर एन, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो 2 रेज टू द पावर एन कॉस 2n थीटा बाय 2, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, तो मिलेगा आपको 0 टू पाई बाय 2, राइट, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका है साइन थीटा बाय 2, ठीक है, साइन थीटा बाय 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसको लिखते हैं कॉस n माइनस 2 थीटा बाय 2, राइट, ताकि ये 10 का फॉर्म बन जाए। और ये क्या है आपके पास, ये है कॉस राइट n माइनस 2 थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस n माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा ये है 2n माइनस 4, तो कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस थीटा रेज टू द पावर, कॉस थीटा बाई 2 रेज टू द पावर 4, तो इसको लिखिए सेक 4 थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 रेज टू द पावर 4 डी थीटा, राइट, तो ये हो गया 1 बाई 4 0 टू पाई बाई 2, राइट, और ये हो गया टेन ऑफ एन माइनस 2 थीटा बाई 2, राइट, और इन टू ये वाला टर्म, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इन टू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, करेक्ट। अब टेन थीटा बाई 2 को टी मान लीजिए, टेन थीटा बाई 2 को टी मान लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टी मान चुके हैं, नहीं, यहाँ को एक्स को टेन थीटा माने, तो टेन थीटा बाई 2 को टी मान लीजिए, तो ये हो गया हाफ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी, राइट, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को 2 डी टी लिख दीजिए, तो ये 1 बाई 2, राइट, 2 बाहर आएगा तो 1 बाई 2 मिलेगा, राइट, 0 टू पाई बाई 2 टी रेज टू द पावर एन माइनस 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, डी टी, ठीक है। तो ये हो गया, लिमिट भी चेंज करेगा तो टी 0 रखेंगे, थीटा 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, टी की वैल्यू 0, और थीटा पाई बाई 2 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 मिलेगी, लिमिट 0 टू 1 हो गया, राइट। तो ये है 1 बाई 2 टी रेज टू द पावर एन माइनस 2 का इंटीग्रेशन, टी रेज टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 प्लस टी रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, लिमिट रख देते हैं 0 टू 1, तो 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस 1, लिखिए 1 अपॉन एन माइनस 1 प्लस, यहां रखेंगे 1 अपॉन एन माइनस 1, यहां रखेंगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो ये वाला क्या हुआ आपके पास, 1 बाई 2 एलसीएम ले लीजिए तो एन स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या बचेगा तो 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, एक तरीका हो गया सॉल्व करने का ये, राइट। दूसरा तरीका क्या है, x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट कर दीजिए तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट 1 बाई 2 0 टू एक्स ई रेज टू द पावर जेड एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 0 टू एक्स बाई 2 ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 डी जेड। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, राइट, तो ये क्या है 1 बाई 2 0 टू एक्स, राइट, इसको लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, राइट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको लिखिए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, राइट, डी जेड, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, राइट, तो इसको लिख देते हैं 1 बाई 2 0 टू एक्स, राइट, ई रेज टू द पावर माइनस जेड माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, करेक्ट, और ये क्या हो जाएगा इन टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 डी जेड,
तो e रेज टू दी पावर x स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे हाफ ऑफ e रेज टू दी पावर x स्क्वायर बाई 4 जीरो टू x e रेज टू दी पावर माइनस z माइनस x बाई 2 होल स्क्वायर dz, राइट। अब z माइनस x बाई 2 को t पुट कर दीजिए, ठीक है। तो z माइनस x बाई 2 को t पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, जब लिमिट z जीरो है तो t की वैल्यू माइनस x बाई 2, तो लिखेंगे इसको हाफ ऑफ राइट e रेज टू दी पावर x स्क्वायर बाई 4, राइट। z जीरो तो t की वैल्यू माइनस x बाई 2, z x तो t की वैल्यू x बाई 2, राइट। e रेज टू दी पावर माइनस t स्क्वायर डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt, करेक्ट। अब देखिए तो एक इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है तो इसको 2 टाइम्स 0 टू x बाई 2 लिख सकते हैं। तो हाफ e रेज टू दी पावर x स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 टाइम्स 0 टू x बाई 2, राइट। अब वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, राइट, वेरिएबल को चेंज कर दीजिए। तो ये क्या है आपके पास, e रेज टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ और लाना है, एक चीज़ क्या लाना है आपको, देखिए तो यहाँ पे है जेड स्क्वायर, राइट, यहाँ पे है जेड स्क्वायर बाई 4 और हमारे को क्या मिला है, हमारे को मिला है माइनस जेड स्क्वायर। तो 4 कैसे आएगा, एक मिनट, 4 कैसे आएगा, तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं 4 कैसे आएगा, ठीक है। ये जेड माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, जेड माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर हो गया, राइट, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स बाई 2 को, जेड माइनस एक्स बाई 2 को टी बाई 2 मान लीजिए, देखिए तो टी बाई 2 मान लीजिए तो क्या होगा, तो लिमिट हो जाएगा ये एक्स, राइट, और एक्स पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगा माइनस एक्स, 2x हो जाएगा, राइट। तो ज़रा क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए, राइट, इसको करेक्शन क्या करना है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप इस तरीके से, इसको लिखिए e रेज टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए प्लस सी टू बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स, राइट, इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए तो इसके बराबर ये लाना है, तो x माइनस सी को क्या पुट कर दें, t पुट कर दें, x a प्लस सी है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x b प्लस सी है तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो f ऑफ t और dx क्या हो गया, dt, करेक्ट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, t को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको चाहिए क्या, 0 टू पाई बाई 2 साइन 100x कॉस 99x dx, राइट। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम c ऐड करें, तो मतलब c ऐड करने का मतलब क्या है, इसमें हम करते हैं माइनस पाई बाई 2 ऐड, इसमें करते हैं माइनस पाई बाई 2 ऐड, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट मिलेगा आपको माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, करेक्ट, यही मिलेगा ना, ठीक है। देखिए तो लिमिट i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, राइट। अब देखिए तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 ऐड किए हैं, राइट, तो यहाँ प्लस पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस 100x कॉस एक्स रेज टू द पावर 100, और ये क्या हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट। तो माइनस साइन के साथ साइन, राइट, 99x dx, तो i इक्वल टू क्या मिला, माइनस i, मतलब 2i की वैल्यू 0 मिली, तो i क्या मिला, 0, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट 0 टू 1 टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x dx इक्वल टू हाफ ऑफ 0 टू पाई बाई 2 t अपॉन साइन t dt, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो पहले LHS साइड को देखिए कि क्या है ये, राइट। तो 0 टू 1, देखिए ध्यान से, इधर LHS साइड है 0 टू 1 टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x dx, राइट।
एक्स को क्या पुट कर दीजिए, एक्स को पुट कर दीजिए टेन थीटा, राइट। तो लिमिट क्या होगा, एक्स जीरो तो जीरो, थीटा जीरो, एक्स वन तो थीटा कितना, पाई बाई फोर। ये टेन इनवर्स टेन थीटा मतलब थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, राइट, इंटू इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाई पार्ट्स लगा दीजिए, राइट। तो दिस इज जीरो टू पाई बाई फोर, ठीक है, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा डी थीटा, करेक्ट, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टेन थीटा को टी मानिएगा तो ऊपर डी टी है, तो एल एन टेन थीटा होगा। तो दिस इज जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर, राइट। तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो थीटा इंटू एल एन टेन थीटा, करेक्ट। लिमिट पुट कर देते हैं जीरो टू पाई बाई फोर, करेक्ट। माइनस डिफ्रेंसिएशन, तो जीरो टू पाई बाई फोर थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो वन हो गया, ये इंटीग्रेशन तो पता ही है, एल एन टेन थीटा डी थीटा, करेक्ट। अब ये वाली वैल्यू देखिए क्या है, थीटा पाई बाई फोर पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा लिमिट, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा एल एन टेन थीटा, करेक्ट, ठीक है। देखिए तो क्या है, थीटा जीरो पे, थीटा जीरो पे ये एल एन जीरो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट इंटू जीरो का फॉर्म है, राइट। तो इसको क्या करें, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बना लेते हैं, राइट। तो इसको लिखेंगे लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, राइट, एल एन टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन बाई थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, राइट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा इसका, वन बाई टेन थीटा, राइट, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई थीटा स्क्वायर, राइट। तो ये जाएगा ऊपर, तो दिस इज माइनस थीटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, देखिए तो इसको लिखिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखिए आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस थीटा, ऊपर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, तो इसको लिखिए थीटा इंटू माइनस थीटा, राइट। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है आपके पास वन, और कॉस जीरो ये भी वन है, थीटा जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। तो आपको ये वाली वैल्यू एल एच एस साइड क्या मिला, सिर्फ मिला जीरो टू पाई बाई फोर माइनस ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर एल एन टेन थीटा डी थीटा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, राइट। अब देखिए तो आर एच एस साइड क्या है, आर एच एस साइड है आपके पास हाफ ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, राइट, इसको लिखिए टी कॉसेक टी डी टी, फिर से बाई पार्ट्स लगाइए, राइट, बाई पार्ट्स लगाते हैं तो क्या मिलेगा, हाफ टी, राइट, कॉसेक टी का लिखेंगे एल एन मॉड कॉसेक टी माइनस कॉट टी, राइट, इंटीग्रेशन यही होगा, लिमिट रखेंगे जीरो टू पाई बाई टू, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, जब पाई बाई टू रखेंगे तो ये कॉट वाली वैल्यू जीरो और ये वन, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, राइट, और जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो इसको लिखेंगे आप वन अपॉन, देखिए जीरो रखेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, और इसको लिखिए वन अपॉन जीरो रखने पे, राइट, माइनस, पहले इसको बाई पार्ट्स लगा देते हैं उसके बाद रख देते हैं वैल्यू, राइट, माइनस हाफ ऑफ जीरो टू, राइट, जीरो टू पाई बाई टू ऐसा लिखेंगे, राइट, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो वन हो गया, इंटीग्रेशन पता है एल एन कॉसेक टी माइनस कॉट टी, इसको कुछ और लिख सकते हैं, देखिए तो इसको वन बाई साइन टी लिख लीजिए, इसको कॉस टी अपॉन साइन टी लिख लीजिए, तो मतलब ये क्या हो जाएगा एल एन टेन टी बाई टू, एल एन टेन टी बाई टू डी टी ऐसा लिख हो जाएगा ये, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे भी एल एन टेन टी बाई टू लिखेंगे तो जीरो रखने पर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ओवरऑल ये जीरो हो गया, राइट। अब यहाँ देखिए t बाई टू को z मान लीजिए, t बाई टू को क्या मान लेते हैं z, तो लिमिट क्या होगा, तो माइनस हाफ लिमिट हो गया जीरो, और पाई बाई टू रखेंगे तो लिमिट पाई बाई फोर एल एन टेन जेड, राइट, dt क्या हो जाएगा, तो ट्वाइस डी जेड, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो देखिए तो ये भी इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट प्रूव्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर, राइट, लिमिट है माइनस वन बाई एन टू वन बाई एन, 2006 साइन एक्स प्लस 2007 कॉस एक्स इंटू मॉड एक्स डी एक्स। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, राइट, तो इसको लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट, लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू वन बाई एन, राइट, 2006 साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, राइट, साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स इंटू मॉड एक्स डी एक्स और प्लस क्या लिखेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो प्लस लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट, माइनस वन बाई एन टू वन बाई एन, एन स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड है, राइट, लिखेंगे 2007 कॉस एक्स इंटू मॉड एक्स डी एक्स, ये दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। अब देखिए तो ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, राइट, ये एक ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया 2 times 0 to 1/n, तो सेकेंड वाला पोर्शन पे सिर्फ ध्यान देना है आपको, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n स्क्वायर 0 to 1/n, राइट, अब पॉजिटिव हो गया तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, x, तो 2007 cos x इंटू एक्स डी एक्स, राइट, यहाँ बाई पार्ट्स लगा देंगे 2007 बाहर, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n स्क्वायर 2007 बाहर, राइट, बाई पार्ट्स लगा दीजिए, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन cos x, राइट, तो क्या हो जाएगा आपके पास x इंटू साइन एक्स, लिमिट रख दीजिए 0 to 1/n, करेक्ट, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो दिस इज प्लस कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स 0 to 1/n, यही मिला, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या मिलेगा, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n स्क्वायर 2007, राइट, लिमिट रख दीजिए, तो ये लिमिट क्या है आपके पास 1/n साइन 1/n, राइट, और प्लस दिस इज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 1/n, राइट, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, करेक्ट, ये होगा। अब इसका लिमिट सॉल्व कर दीजिए, तो अलग अलग कर लीजिए, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट, ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो 2 into 2007, तो 4014, राइट, ये पहला वाला पार्ट, तो पहला वाला पार्ट क्या है आपके पास n into साइन 1/n है, करेक्ट, और सेकेंड पार्ट देखिए तो सेकेंड पार्ट क्या है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस इसको देखिए 2 sin² 1/2n, करेक्ट, राइट, इंटू इसके साथ भी क्या होगा, तो इसके साथ भी आपके पास इसको अलग अलग कर लिए हैं, तो 4014 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 4014 आएगा ही आएगा, राइट, और उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे है 2n² मतलब n स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, राइट। अब देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये n साइन 1/n इसको लिख सकते हैं 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब ये 0/0 का फॉर्म है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 1, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, ये वैल्यू 1 हो गई, अब ये वाला लिमिट, ये वाला पोर्शन करना है, तो ये क्या है, देखिए तो साइन स्क्वायर 1/2n इंटू एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2n स्क्वायर से डिवाइड, होल स्क्वायर से डिवाइड, और इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4n², राइट, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ क्या हो जाएगा n² कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए तो ये हो गया 2 times कैंसिल, और ये वाली वैल्यू फिर से आप लिख सकते हैं 1, तो दिस इज 2007, तो ये क्या हो जाएगा 4014 माइनस 2007, तो आंसर विल बी 2007, इसका आंसर आ गया, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अल्फा टू बीटा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर पाई बाई एट प्रूव करना है, राइट, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये लाना है इसके बराबर, राइट। तो देखिए तो अल्फा टू बीटा, इसको लिखिए अल्फा टू बीटा, राइट, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स डी एक्स, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये सब्सटीट्यूशन आपको बताया था इंटीग्रेशन में, एक्स को सब्सटीट्यूट कर दीजिए अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू अल्फा रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जीरो, तो लोअर लिमिट जीरो। और देखिए तो अगर एक्स की वैल्यू बीटा अपर लिमिट रखिएगा तो क्या मिलेगा, बीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा जीरो, मतलब पाई बाई टू, करेक्ट। अब रूट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, तो एक्स की जगह रख दीजिए अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, राइट, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहां पे रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स की जगह अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहां रखिएगा तो बीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिलेगा आपको बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपके पास, देखिए तो माइनस टू अल्फा, माइनस टू अल्फा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, और प्लस टू बीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट, यही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या मिल जाएगा आपको, तो ये मिलेगा आपको जीरो टू पाई बाई टू, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा बाहर, ठीक है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, राइट, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां देखिए तो ये है साइन टू थीटा, राइट, साइन टू थीटा कॉमन, तो बीटा माइनस अल्फा, तो दिस इज बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट, और उसके बाद क्या मिलेगा, साइन टू थीटा डी थीटा, करेक्ट, यही मिलेगा, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो हाफ ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, करेक्ट, तो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर, तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाहर, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 1/4 बाहर, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब देखिए तो आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन में डी थीटा वाला पार्ट थीटा देगा, कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा बाई 4 होगा, तो उसका इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट में 0, राइट, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ डी थीटा वाला पोर्शन आएगा, तो उससे क्या आएगा, पाई बाई 2, तो 1/4 इंटू पाई बाई 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू पाई बाई 8, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ ए बाई एक्स प्लस एक्स बाई ए एल एन एक्स बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन ए इंटू 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ ए बाई एक्स प्लस एक्स बाई ए डी एक्स बाई एक्स, ये लाना है। तो हमको देखिए तो यहाँ एल एन ए लाना है, यहाँ पे एल एन ए लाना है एलएचएस में, तो कैसे एल एन ए लाएंगे, तो एक्स को ए टेन थीटा रख दीजिए, राइट, तो एक्स को ए टेन थीटा रखेंगे, तो देखिए तो लोअर लिमिट क्या होगा, तो लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट एक्स इनफाइनाइट रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, राइट, ये लिखेंगे एफ ऑफ क्या हो जाएगा, तो ए बाई एक्स, तो ये वैल्यू कॉट थीटा हो गई, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, करेक्ट। अब देखिए तो एल एन एक्स क्या होगा, तो एल एन एक्स हो जाएगा आपके पास एल एन ए प्लस एल एन टेन थीटा, राइट, ऐसा लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए तो आपके पास ये दो पोर्शन में ब्रेक हो जाएगा, राइट, एक वाला पोर्शन क्या होगा, तो 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, राइट, एल एन ए
एल एन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा, एक पोर्शन तो ये है राइट, देखिए तो, और ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, यहाँ भी x इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिएगा तो यही वाली वैल्यू आएगी करेक्ट, तो ये तो इसके बराबर है, तो सेकेंड वाला पोर्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, जीरो होना चाहिए राइट, तो देखिए सेकेंड वाला पोर्शन क्या है, तो जीरो टू पाई बाई टू राइट, ये है एफ ऑफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा करेक्ट, उसके बाद बचेगा क्या आपके पास, तो आपके पास बचेगा एल एन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा राइट, अब ये वाला पोर्शन आपको जीरो दिखा देना है राइट, ये वाला पोर्शन तो इसके बराबर ही है करेक्ट, यहाँ भी x इक्वल टू ए टेन थीटा रखिएगा तो यही वाली वैल्यू मिलेगी राइट, अब ये इसको जीरो दिखाना है तो प्रॉपर्टी नंबर फोर लगाइए, थीटा की जगह पाई बाई टू माइनस थीटा लिखिए, तो i इक्वल टू हमारे पास जो है जीरो टू पाई बाई टू राइट, एफ ऑफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा एल एन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा राइट, जब पाई बाई टू माइनस थीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये जीरो टू पाई बाई टू ठीक है राइट, ये एफ ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और ये मिलेगा एल एन कॉट थीटा राइट, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको कॉट थीटा राइट, और ये क्या मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा करेक्ट, ये भी क्या है आई है, जरा दोनों को ऐड कर दीजिए तो टू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू आई की वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू कॉमन क्या है, तो एफ ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन है, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा एल एन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा राइट डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस राइट एल एन कॉट थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा राइट, डी थीटा अलग है, अब देखिए तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम लेने के बाद जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू एफ ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा करेक्ट करेक्ट, और ये वाला एलसीएम लेने के बाद ये मिलेगा ऊपर एल एन टेन थीटा राइट, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इसको राइट, तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखिए तो ये कैंसिल हो गया राइट, ये वाला क्या है तो एल एन कॉट थीटा राइट, सेकेंड वाला पोर्शन एल एन कॉट थीटा, देखिए तो यहाँ भी लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को वन बाई साइन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ भी मिलेगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा राइट, ये डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ठीक है, ये मिला, अब देखिए तो जीरो टू पाई बाई टू ये है एफ ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा राइट, अब ध्यान दीजिएगा देखिए तो कॉमन क्या है वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन है राइट, मिला क्या आपके पास, आपके पास मिलेगा एल एन टेन थीटा प्लस एल एन कॉट थीटा, तो इसको माइनस एल एन टेन थीटा लिख सकते हैं, तो दिस इज एल एन टेन थीटा माइनस एल एन टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या है वन है राइट डी थीटा, अब देखिए तो ये जीरो हो गया तो ओवरऑल क्या हो गया जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो है, तो मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया राइट, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके आप प्रॉपर्टीज लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं राइट, तो मेरे ख्याल से डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन टॉपिक आपका फिनिश हुआ राइट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एरिया को कवर करेंगे राइट ठीक है।